तो भाई लोग हाजिर हूँ आपके सामने घबराहट वाली बात लेकर, और ये भाई लोग एक्शन से है, कोई भी झूठ नहीं मानेगा इसे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे भाई लोग कई लोग भी है इस दुनिया में जो कहते हैं कि भूत भूत नहीं होते, और साथ में ये भी कहते हैं कि किसी एक बंदे ने ही भूत को देखा है। कई ऐसा झुंड में यानी कि 15-20 लोगों ने भूत को देखा है क्या, ऐसी निठल्ली बातें करते हैं भाई लोग। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ 10-15 लोगों ने नहीं बल्कि 100 लोगों ने इकट्ठे होकर भूत को देखा था और उसके साथ बातचीत की थी और सुनी भी थी भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं भाई लोग। फ्लाइट नंबर 401 जिसने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक उड़ान भरी, फ्लाइट को उड़ा रहे थे दो कैप्टन एल्बर्ट और रॉबर्ट, और भाई लोग फ्लाइट भी ऐसे ही चकाचक तरीके से उड़ रही थी। कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत बाजी उस फ्लाइट के अंदर नहीं थी, मतलब की सारे लोग फुल ऑन टसड़ बना रहे थे उस फ्लाइट में। और फ्लाइट में जो दोनों कैप्टन थे वो भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थे भाई लोग। जरा सी भी कहीं पर चूक होना ये अब गलत बात थी, ये उन दोनों से कभी भी हो ही नहीं सकता था, यानी कि विश्वासु पायलट थे यहाँ पर। गाइड भाई लोग धीरे धीरे फ्लोरिडा तक पहुंच गए और अभी वक्त आया लैंडिंग करने का। लेकिन क्या हुआ भाई लोग कि फ्लाइट का जो लैंडिंग गियर होता है वो डाउन ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर दोनों पायलट ने बहुत मशक्कत की और ढेर सारी जांच पड़ताल की कि साला ये लैंडिंग गियर डाउन क्यों नहीं हो रहा। उन दोनों ने ATC से कॉन्टेक्ट किया और उसे कहा कि हमारी फ्लाइट का लैंडिंग गियर जो है वो फंस चुका है, वो डाउन नहीं हो रहा है। ATC ने यहाँ पर दोनों पायलट को कहा कि आप फिर से प्लेन को टेक ऑफ करवाइए और हवा में जाके आराम से जांच पड़ताल कीजिए कि ये आखिर क्यों लैंड नहीं हो रहा है। अभी भाई लोग यहाँ पर दोनों पायलट ने भी ऐसा ही किया, वापिस प्लेन को गो अराउंड करा दिया और एक लेवल पर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर रख दिया ताकि वो सिचुएशन और जो वहाँ पर भोकाल हुआ है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहा है उस पर वो थोड़ी सी जांच कर सके। प्लेन भाई लोग ऑटो पायलट पर था, दोनों कैप्टन यहाँ पर मशक्कत कर रहे थे कि लैंडिंग गियर को नीचे करने की। लेकिन भाई लोग यहाँ पर होता है थोड़ा सा छोटा मोटा सा गलती बवाल हादसा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कैप्टन होगा जिसका हाथ वो जो ऑटो पायलट मतलब कि प्लेन होता है उस पर उसका हाथ लग गया, और यहाँ पर प्लेन का ऑटो पायलट था वो पहुंच चुका था। बड़ी तेजी से प्लेन भाई लोग नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट कुछ सोचते और समझ पाते उससे पहले प्लेन पूरा का पूरा भाई लोग यहाँ पर क्रैश हो गया। अभी होते गंभीर बात भाई लोग, प्लेन में 400 लोग थे जो कि यहाँ पर मारे जा चुके थे। ये इतनी खौफनाक घटना थी भाई लोग की इस घटना की सारे न्यूज चैनल और सारे अखबारों में चर्चा चल रही थी। जो जो लोग ये देख रहे थे वो भी काफी सुन्न हो चुके थे, क्योंकि वाकई में भाई लोग ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अभी भाई लोग यहाँ पर होती है गंभीर बात शुरू, और अभी यहाँ जो कमजोर दिल वाले हो वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अभी बवाल बातें शुरू होने वाली है भाई लोग। धीरे धीरे भाई लोग समय बीतता गया और ये हादसा सारे लोगों के मन से निकल चुका था और किसी को भी भनक तक नहीं लगा था कि ये हादसा आने वाले प्लेनों की बड़े जोरदार तरीके से साजिश रचने वाला है भाई लोग, क्योंकि इसी प्लेन के कई ऐसे पार्ट थे जो कि अभी तक चल रहे थे और उन पार्ट को निकालकर उसी प्लेन में से किसी और नए नवेले प्लेन में चढ़ा दिया गया था। और ऐसे एक नया नवेला प्लेन नहीं भाई लोग, कई ऐसे प्लेन थे जिसमें अगर कोई पार्ट खराब हो जाता तो इसी प्लेन का पार्ट निकाल कर उसमें चढ़ा डालते, और वो सारी फ्लाइटें भी इसी पार्ट पर उड़ रही थी। और 3-4 महीने बीत गए भाई लोग, लेकिन अभी तक किसी भी फ्लाइट में कुछ भी नहीं हुआ था, सारे सेफली आराम से उड़ रहे थे सारे प्लेन। गंभीर बात भाई लोग यहाँ से होती है फ्लाइट 318 जिसमें ढेर सारा मटेरियल फ्लाइट 401 का इस्तेमाल किया गया था। अभी भाई लोग कई लोगों ने उस प्लेन में सफर किया और यह दावा किया कि समझ लो आपके प्लेन पूरा का पूरी तरह से खाली है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता था कि उसके आसपास कई लोग बैठे हुए हैं और उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं भाई लोग। उसी फ्लाइट में काम करने वाली एयर होस्टेस ने भी भाई लोग ये बात बताई कि एक बार उसके साथ एक भयानक हादसा हो चुका था। वो लोगों को खाना सर्व कर रही थी और वो वहाँ से मतलब कि गई जहाँ पर खाली जगह थी, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर बैठे बैठे अपना ऑर्डर दे रहा है खाने के लिए, और वो भी और कोई नहीं लेकिन उसी प्लेन का कप्तान था। अभी यहाँ पर वो एयर होस्टेस बहुत ही बुरी तरह से गड़बड़ा चुकी थी। वो तुरंत कॉकपिट में गई और वहाँ पर देखा तो दोनों कैप्टन वहीं पर मौजूद थे, लेकिन भाई लोग तो वो कौन था
जो कि इसे ऑर्डर दे रहा था खाने के लिए। भाई लोग ये देखने के बाद भाई लोग एयर होस्टेस वापिस उसी जगह पर गई, मतलब कि खाली जगह पर। तो वहाँ पर पास की सीट में एक आदमी बैठा हुआ था, वो उसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था, और आप अकेले अकेले बात कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि आपका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, इसने मैंने थोड़ा सा हल्के में ले लिया। एयर होस्टेस कहते हैं कि साला ये क्या मेरे साथ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर कोई बैठा नहीं था, तो मैं साला किसके साथ बातचीत कर रही थी। जब भाई लोग फ्लाइट लैंड हुई और सारे यात्री नीचे उतर कर अपने अपने घर पर चले गए, तो एयर होस्टेस ने अपने वहाँ पर सारी फ्रेंड मौजूद थी जो कि एयर होस्टेस ही थी, उन सभी को ये सारी घटना को बताया, इजहार किया मतलब की। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड ने भी इसे कहा कि हमारे साथ भी कभी ना कभी ये हुआ है कि सारा किसी खाली जगह पर अगर कोई नहीं होता तो वहाँ से सारा आवाज आती है कि सारा खाना लेकर आओ मेरे लिए, और हम डर जाते हैं भाई लोग बुरी तरह से। एक महीने तक तो भाई लोग ऐसा है ये थोड़ी सी बातचीत चलती रही, लेकिन एक महीने के बाद एक दिन आता है जब इसी फ्लाइट ने वापिस उड़ान भरी। वैसे कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, दोनों पायलट्स भी अच्छी तरह से प्लेन को उड़ा रहे थे, फ्लाइट में मौजूद यात्री भी अपना सफर फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर एयर होस्टेस थी जो कि आपस में बातचीत मुटरबू कर रही थी। उसी फ्लाइट में भाई लोग एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। वो फ्लाइट के चैम्बर में गई जहाँ पर वो खाना रखते हैं, क्योंकि उसे खाना निकालना था और फ्लाइट में मौजूद यात्रियों को सर्व करना था। वो जैसे ही ओवन के पास गई तो उसे किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, और रिफ्लेक्शन भाई लोग यहाँ पर उसे कह रहा था ये नहीं 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 ऐसा नहीं करते बेबी, ऐसा नहीं, इस प्लेन को जल्दी से आप लैंड करवा दो वरना इस प्लेन में आग लगने वाली है। ये सुनकर भाई लोग वो बेचारी बुरी तरह से डर चुकी थी लड़की, और वो फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर के पास गई और उसे ये सारी घटना को बताया। फ्लाइट इंजीनियर ही ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कर डाला, इसीलिए वो भी वहाँ पर चेक करने गया, लेकिन अभी भी वो रिफ्लेक्शन उन दोनों को दिखाई दे रहा था, और वो रिफ्लेक्शन फ्लाइट इंजीनियर को भी कह रहा था कि साले इस प्लेन को जल्दी से लैंड करवा दे वरना ये फ्लाइट कभी भी जल के खाक हो सकती है। यहाँ पर भाई लोग फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत दोनों कैप्टनों को प्लेन लैंड करवाने के लिए कहा और पास के किसी एयरपोर्ट पर उसी प्लेन को लैंड करवा दिया, यानी कि यहाँ पर भाई लोग प्लेन में कोई भी हादसा नहीं हुआ था। रिफ्लेक्शन का भाई लोग यहाँ पर पर्दाफाश करा कि वो साला रिफ्लेक्शन किसका था, तो वो रोबोट का था जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर भाई लोग फ्लाइट 318 को सर्विसिंग में भी भेजा गया, जहाँ पर ढेर सारे लोगों ने और अच्छे लोगों ने प्लेन की सर्विस की और एक एक पुर्जे और बारीकी से चेक किया, लेकिन उन सभी के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं आई या कोई ऐसा खराब पार्ट नहीं था जिसकी वजह से उस प्लेन में आग लग सकती थी। यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह सारा रिफ्लेक्शन ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। भाई लोग यहाँ पर कंपनी ने वापिस उसी प्लेन को अपने काम धंधे पर लगा दिया, यानी कि टेक ऑफ करना और मुनाफा करना। लेकिन भाई लोग बार बार यही सब हो रहा था, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती तो वहाँ पर किसी न किसी को रिफ्लेक्शन दिखाई देता, यानी कि प्लेन में मौजूद सारे लोगों को, और यही बात दोहरा था कि फ्लाइट को जल्दी से लैंड करवा दो वरना फ्लाइट में कभी भी आग लग सकती है। अभी भाई लोग एक दिन ऐसा आया जब ये सारी बातें हकीकत होने वाली थी। 318 ने वापस टेक ऑफ किया और वापस उड़ान भरी अमेरिका जाने के लिए, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ भाई लोग तो फ्लाइट का इंजन पूरी तरह से बंद हो गया, मतलब कि फ्लाइट पूरी की पूरी तरह से डेड ही हो गई। फ्लाइट में कैप्टन थे जो कि कड़ी मशक्कत कर रहे थे इंजन को वापस ऑन करने की, लेकिन उन दोनों को भी भाई लोग ये पता था कि अगर इंजन पर ज्यादा प्रेशर डाला तो फ्लाइट ब्लास्ट हो सकती है यहाँ पर, इसीलिए इंजन के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अभी भाई लोग क्या कहे, यह भूत का चमत्कार कहे या किसी का कहे, अचानक से भाई लोग 5 मिनट के बाद फ्लाइट वापस ऑन हो गई और उसके दोनों इंजन ने शुरू करना काम करना चालू कर दिया भाई लोग यहाँ पर। और यहाँ पर भाई लोग फ्लाइट 318 अपना सफर तय करके अमेरिका पहुंची और सक्सेसफुली लैंडिंग किया, जिसमें किसी भी यात्री को कोई भी चोट नहीं आई थी, अभी आएगी भी नहीं भाई लोग क्योंकि कोई हादसा ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर वो रोबोट के भूत ने इन सारे लोगों की जान बचाई थी, क्योंकि पहले से वो ऐसी अफवाह फैला रहा था। अगर वो ऐसी अफवाह नहीं फैलाता भाई लोग तो वो दोनों पायलट कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते और प्लेन ब्लास्ट हो जाता। ये सारी बातें तो भाई लोग अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी के मालिक को कहा कि ये सारी चीजें होती है तो वो गलत बात है,
क्योंकि अभी तक तो ये भूतसाला सबकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन किसी दिन दिमाग फिर गया तो वो किसी को हार्म भी कर सकता है। इसीलिए हमें उस प्लेन में थोड़ा सा पूजा पाठ करना चाहिए। अभी लोगों की सेफ्टी के लिए भाई लोग प्लेन का मालिक था वो एक पुजारी को बुलाता है और प्लेन में थोड़ी सी पूजा विधि करवाता है। अभी यहाँ पर भाई लोग उसके बाद फ्लाइट 318 में कोई भी रिफ्लेक्शन या कोई भी ऐसी वैसी गतिविधि या कोई चीज़ जो कि भूत की ओर इशारा करती और किसी को दिखाई देती हो, यह सारा कुछ सारा मामला बंद हो गया। अभी भाई लोग आप मुझे बताना कमेंट में कि भूत जो कि उसी फ्लैट में सारे लोगों की सुरक्षा करता था उसे उसमें रखना चाहिए था या ऐसी विधि करके उसे वहां से भगा डालना चाहिए था। तो चलिए भाई लोग यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि सारा मेरे को लग रहा है कि सारा पास में किसी ने प्लेन लैंड करवा दिया है।